हाय गाइस, हेलो एवरीवन। और देखिए, आज जो है काफी जो अपडेट के सिलसिले चल रहे हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पे दो चीजों पे बात करेंगे। जैसे कि ओवरऑल में शुभवारे साहब आए थे उसके बारे में, और साथ ही साथ जो है अभी एक आज तक जो न्यूज चैनल है उसमें जो है हमारे जो ऑन पैसिव के ऑफिस को बताया गया था उसको लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो ओवरऑल शोवर्स में अपडेट की अगर बात करते हैं, तो ऐश बुफारे साहब जो इसमें आए थे, आपने ऑलरेडी वैसे तो ऑन पैसिव 360 में जो अपडेट्स आई थी वो हम सब देख चुके हैं, उसको लेकर के सुपर एक्साइटेड है। तो इसके अंदर जो ऐश बुफारे साहब जुड़े थे, इसमें कुछ ऐसी कुछ अपडेट नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह से बातें कर रहे थे यहाँ पर आप देखेंगे, उसका मैंने हिंदी जो है कैप्शन भी कर दी है। मतलब आप जब जाएंगे तो चैनल पे मेरे जो मौजूद है ओवरऑन वाले शो पर, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से वहां पर जो है आप हिंदी जो है हिंदी में सबटाइटल करके देख सकते हैं और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और ऐश बुफारे साहब जब इसमें जुड़े हैं तो उन्होंने कुछ चीजें शेयर की थी, जिसमें उन्होंने बात की है खासकर इस चीज को कि आपके जो सपने हैं उनको यहाँ पे जो पुनर्जीवित किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपके सपनों को और बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ अपने कुछ फैमिली डिस्कशन भी वहां पर शेयर किए थे, और वो बोल रहे थे कि देखिए आज शुक्रवार है, आज फ्राइडे, आप उसको एंजॉय कीजिएगा, अच्छा फ्राइडे, बट इसमें मैं ये चीजें शेयर करने के लिए नहीं आया। बट फिर भी क्या है कि कई इमोशंस जो जुड़े होते हैं, जैसे हम लोगों की लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मिस्टर ऐश बुफारे साहब ने उनका भी एक बताई थी एक बात, क्योंकि ऑन पैसिव को अपनी एक फैमिली मानते हैं, इस वजह से उन्होंने यहाँ बात शेयर की थी कि किस तरह से, देखिए नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि सर हमें ही चैलेंजेस है, भैया ऐश बुफारे तो बिल्कुल ऐश में होंगे और उनका तो ये है, लेकिन आपको मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे लोग, हर आदमी, हर इंसान यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान है, चाहे वो ऐश बुफारे साहब क्यों ना हो। देखिए, इसमें एक चीज उन्होंने शेयर की थी, जिस तरह से उनकी जो बहन है जो जर्मनी में रहती है, और उनके बारे में बता रहे थे कि उनके जुड़वा बच्चे हैं, एक और बच्चा है, तो उसे वहां पर उन्हें कुछ जैसे कुछ चैलेंजेस ऐसे आए कि उनका जो है घूमने के लिए उनका परिवार गया और वो बच्चा जो है वहां पर डूबकर उसकी जो है डेथ हो गई थी। तो अभी उनकी माँ फिर गई वहां जर्मनी ऐश बुफारे साहब की, और वहां उनसे मिली, बहुत इमोशनल थी। तो ऐसी कई चीजें जो है, चैलेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं फेस करने पड़ते हैं हर इंसान को, ये ऐश बुफारे साहब यहाँ पे बता रहे थे। और ऐश बुफारे साहब ने यही बताया कि आपके सपनों को यहाँ पर जो है जिस तरह से पुनर्जीवित किया जा रहा है, और चैलेंजेस तो देखिये लाइफ का पार्ट है, ये होना ही होना है। और हमारे सिस्टम को लेकर के जिस तरह से उन्होंने बात की है कि यहाँ पर कई चीजें जो हुई हैं बैक में पिछले कुछ दिनों से, जो उन्होंने देखा है काफी कुछ इसमें चीजें आई, लेकिन एक चीज है यहाँ पर जरूर, जो अगली लोग हैं जो आए हैं, लेकिन ये बात जरूर है अगली जब आते हैं तो उसके बाद में बूम बूम जरूर होता है, उन्होंने इस बात का भी देख लिया। तो बिल्कुल अगली लोग भी हमारी चीजों को यहाँ पर देखने वाले हैं, आप जो अगली मतलब की जिन्होंने कुछ गलत काम किए हैं और जो कुछ ऐसी एक्टिविटियां हुई है जो नहीं होना चाहिए थी, और इसलिए जो ऐश बुफारे साहब बोल रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से हमने जो चीजें देखी है यहाँ पे, काफी चैलेंजेस जो हुए हैं, उसके बाद में जो नई चीजें आएंगी दोस्तों, वाकई में हम सभी जानते हैं कि बहुत ही ये जबरदस्त होंगी। और जस्ट ओवरऑल में ज्यादा देर 15-20 मिनट का जो है बात की थी, तो उसमें आप जाकर के देखिए, बाकी वहां पे जो नॉर्मली क्वेश्चन आंसर वगैरह जो हो रहे थे वो उन्होंने नॉर्मल जो क्वेश्चन के आंसर दिए थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एक फैमिली की तरह ऐश बुफारे साहब अपने पूरा जो यहाँ पर लोगों के साथ में जुड़ते हैं, जैसे ओवरऑल में वो जुड़े थे और उन्होंने अपनी शेयरिंग रखी थी। और ये बात तय है दोस्तों कि हमारा सिस्टम जब भी आएगा तो ये बहुत ही जबरदस्त नया सिस्टम आएगा। और साथ ही साथ एक और चीज है जो काफी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि यार ये सही है कि नहीं है, तो देखिए वो था कि हमारा, जिस तरह से आपने कल देखा होगा कि आज तक में जो 9 बजे एक शो आता है आज तक में, उसमें जो है बताया गया था ऑन पैसिव का ऑफिस के बारे में, थोड़ा सा आपने देखा होगा उसका थोड़ा सा एक क्लिप आया था, थोड़ा अंदर का व्यू दिखा था, तो बहुत से लोगों ने पूछा ये सही में सच भी है या नहीं, तो यस बिल्कुल वो एग्जैक्टली क्लियर एकदम परफेक्ट न्यूज है। और एक्चुअली वो जो शो होता है रात के 9 बजे वाला शो, वो इसके अंदर जो है नई अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में होता है, और किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, असल में ऑन पैसिव के बारे में नहीं था, वहां पे आंध्र प्रदेश में जो अभी जॉब्स को लेकर के और इन चीजों को लेकर किस तरह से यहाँ पर जो है अभी जॉब की जो है रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से कैसे यहाँ पर अभी आईटी के फील्ड में कितना सारा यहाँ पर आगे स्कोप है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो था, जिसमें ऑन पैसिव के ऑफिस के बारे में आपने देखा होगा कि बिल्कुल वहां बताया गया, वहां पे ऑन पैसिव का ऑफिस बाहर से भी दिखाया गया, तो बहुत ही बढ़िया वो वीडियो है। तो आज तक में भी वही देखिए हमारा वो दिखाई दे रहा है, तो उसमें ऑन पैसिव का नाम नहीं लिया गया, लेकिन एक आईटी, क्योंकि हमारी कंपनी भी एक आईटी कंपनी है, इसलिए उसमें भी ये चीजें दिखाई गई है। तो बिल्कुल ये रियल न्यूज थी और आप जाकर के उसे देख भी सकते हैं, वैसे तो ऑलरेडी सभी जगह पर ये शेयर किया जा चुका है,
और ये अच्छी अपडेट है हम सभी के लिए। देखिए हमारा जो है ना सिर्फ ऑन पैसिव में हमारे फाउंडिंग मेंबर के लिए, मैंने भी जो सुबह वीडियो बताया था आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा जाकर के जरूर देखिएगा, सुबह 7 बजे आज जो डाला था वीडियो इसमें जो है आपने देखा होगा कि मैंने आपको सारी चीजें वहां पे बताई कैसे एनवायरनमेंट के लिए कंपनी यहाँ पे फ्यूचर में काम करने वाली है, उसके लिए बहुत बढ़िया 10 मिनट का वो वीडियो आप उसे भी जरूर देखिएगा। बाकी गुड न्यूज है तो बिल्कुल आती रहेंगी, बहुत ही अच्छी अपडेट्स भी हमें मिलती रहेंगी, सारी अपडेट्स दोस्तों देखिए। और ऐश मुफारे साहब अगेन मैं बोलूंगा कि एक फैमिली की तरह हम सबको मानते हैं, इतने चैलेंजेस के बावजूद भी वो चीजें हमारे साथ में शेयर करते हैं और डेफिनेटली हमारे लिए सितंबर का मंथ भी बहुत ही बेस्ट से बेस्ट होने जा रहा है। तो ऑन पैसिव के साथ बने रहिए और हमेशा जैसा ऐश मुफारे साहब और ऑन में भी कह रहे थे कि पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपको पॉजिटिव बने रहना बहुत यहाँ पे जरूरी है। नकारात्मक लोग नेगेटिव लोग जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट आप पॉजिटिव के साथ रहेंगे वही आपके लिए सबसे अच्छा है। और थैंक यू है हमारे सारे लीडर्स का जो यहाँ पे शेयरिंग करते हैं अपनी यहाँ पे आकर के, जैसा और ऑन में और भी जगह पे जाते हैं तो वो भी ऐसा ने कहा है। और ये दोस्तों एक अच्छा साइन है हम सभी के लिए कि हमारे सीईओ हमारे साथ खुद जुड़ करके इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो थैंक यू ऐश मुफारे साहब एंड थैंक यू हमारे ऑल सारे एक्टिव पॉजिटिव फाउंडिंग मेंबर। तो थैंक यू, बाय बाय गाइज एंड लव।